भारत माता के। समुंदर में नहाते और भी नमकीन हो गई हो। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि फैमिली के साथ आइए, बहुत ही क्रिटिकल है। अगर दोस्तों के साथ आ रहे हैं, ट्रक पे आ रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, एक बार जरूर आइएगा। यहाँ पर देवघाटी का जो वाटरफॉल है, बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था हमारा। जितनी खूबसूरत है ये जगह, उतनी रिस्की है और जान जोखिम पे लेके आए हम लोग। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही अशोक जी ने हमें ये वीडियो दिखाया था उनका, कि इससे पहले ही ये यहाँ पर आए थे, तो मन किया हमारा आने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि फैमिली के साथ ना आए और अपने दोस्तों के साथ देखते आ रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है ये जगह और उसमें भी रिस्की भी है। यहाँ पर पहुँचना कैसा है, इसकी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। व्हाइट और येलो से मार्किंग की गई है यहाँ पर, आपको रास्ता पहचानने में आसानी होगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें जगह पे, क्योंकि बहुत ही अनसेफ है और जानवरों का भी डर रहता है यहाँ पर। तकरीबन यहाँ पर गाड़ी रख के आपको तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा वाटरफॉल तक, तो चलिए चलते हैं। विवेक भी है ना, मल्कि मारो तेने लाइव। तकरीबन 2-3 बार यहाँ पर आने के बाद ये वीडियो हम बना पाए। इस वीडियो में मेहनत बहुत लगी है, तो इस वीडियो में हमारे साथ आखिरी तक आप जरूर बने रहिएगा। ये देखिए कैसे दिख रहा है पूरा, यहाँ से जयपुर कैसे दिख रहा है। वो पेपर मिल का धुआं है शायद, पेपर मिल का धुआं नजर आ। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए इस जगह पे कंफ्यूज होना पड़ेगा आपको, यहाँ से कहाँ जाना है। हाय मामा, हाय कर देगा, हाय। हम थक गए हैं पूरा और रास्ता नहीं मिल रहा है हमें वो वाटरफॉल तक जाने के लिए, लगता है वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखते हैं चले क्या करते हैं। तकरीबन आधा एक घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें वो वाटरफॉल का रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें बहुत परेशान हो गए हम। Thank you.
दूसरी बार है आए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी रास्ता में कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। यहाँ से कहाँ जाना है देखना पड़ेगा हमें। भैया आए हैं, देखिए आ रहे हैं और मुंह छुपा रहे हैं। अरे यार मजा लग रहा है यार उतरते वक्त। क्या मजा आ रहा है, गांड फट रही है अभी तो। जुबा केसरी खा रहे हैं, बोल कोई दे जुबा केसरी पूरा सिंबल आ गए हम। धीरे धीरे आइए संपत भैया, सुन रहे हैं ना। जिस जगह पे आपको निशान दिखाई दिए येलो और व्हाइट के, तो समझ लेना कि हम ही नहीं किया इसको और आपको आने में आसानी होगी। वाओ, फाइनली पहुंच गए हम यहां पर। वाओ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, संग जाऊं मैं हाथ लगाऊं। धीरे धीरे आना, धीरे धीरे फिसल फिसल के धीरे धीरे आ, ठीक है। कैसे पानी आ रहा है देखिए, हेलो चिकी। जितना जा सकते हैं उतना ही जाएंगे, उतना आगे नहीं जाना है। तो मैं आ रही हूँ,
सही है, धीरे धीरे धीरे। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और आप अगर यहाँ पर प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ आने के लिए तो सही है, लेकिन अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ये ट्रैक नहीं बना है फैमिली के लिए और बहुत ही मुश्किल है। आपको 2-3 किलोमीटर तो ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक कम किलोमीटर का है, लेकिन जो रास्ता है ना, जो जंगल के अंदर से आना पड़ेगा, वो आपको बहुत परेशान करेगा। अगर आप किसी जान पहचान वाले को लेके आते हैं, जिसको ये रास्ता पता है तो उनको लेके आ सकते हैं, तो बहुत आसानी होगी आपको। बहुत ही मज़ा आ रहा है। वाह, समुंदर में नहाते और भी नमकीन हो गई हो। ये उससे भी बेहतर है। ये हाय, देखिए कैसे बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अपने गांव के बच्चे हैं। हम लोग और बहुत ही मज़ा आया हमें नहाने में। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, बहुत ही इतनी खूबसूरत है ये जगह, उतनी रिस्की है।
बच्चों को पुड़िया बांट रहे हैं हमारे भैया। और भैया हमारा पुड़िया खिला रहे हैं, गोपाल दादा पुड़िया खिला रहे हैं हमारे भैया, बच्चों को पुड़िया खिला रहे हैं। बोलो जीबा केसरी, भारत माता के। वीडियो देखियो तो आई